Star Coaching Academy, Sujangar. We are going to start English spoken or English grammar topic models. पहले हम लोग जानते हैं what actually they are. They are and how they are different from normal verbs. How they are different from normal verb. ठीक है. What actually they are? Models क्या होते हैं? Models जो verb होती है वो हमारे main verb को subject या more importance देती है. एक sentence में हम लिखते हैं main verb सिर्फ model, तो उसका कोई मतलब होता नहीं है अगर main verb हमारे साथ में नहीं है. Second है how they are different from normal verb. नॉर्मल वर्ब जब हम एक सेंटेंस में लिखते हैं तो वो सेंटेंस क्या होता है? करेक्ट होता है. लेकिन सिर्फ एक मॉडल वर्ब अगर हम सेंटेंस में लिख देते हैं तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है? इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, गलत हो जाता है. एक सेंटेंस के अंदर मॉडल को रहने के लिए, मॉडल का जो स्थान है वो हमारा मॉडल वर्ब का मेन वर्ब के साथ ही होता है. जैसे हम देखते हैं मॉडल वर्ब्स कितनी होती है. पहले देखते हैं हाउ मनी मॉडल वर्ब आर देयर. मॉडल वर्ब्स कितनी होती है? देयर आर 13 मॉडल वर्ब्स. 13 मॉडल वर्ब्स. ओके. नंबर वन इज कैन. नंबर टू इज कुड. थ्री मे माइट मस्ट विल वुड शैल शुड. अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, उसके लिए मस्ट का यूज किया जाता है. नेक्स्ट
विल। विल का यूज क्यों किया जाता है, यानी हमारी इच्छा शक्ति और हमने अगर कोई डिसीजन लिया है कि हम ये काम करेंगे उसके लिए विल का यूज किया जाता है। वुड का यूज किया जाता है जब हमें कोई चीज पोलाइट रिक्वेस्ट से किसी से करवानी हो उसके लिए, या कोई चीज हम प्रेफर करते हैं यानी हमारी ये इच्छा है कि हम ये काम करेंगे उसके लिए हम वुड का यूज करेंगे। शैल का यूज क्यों किया जाता है, रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को सजेशन देने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर है शुड। शुड का यूज रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पश्चाताप, उसके लिए किसी चीज का पछतावा होता है उसके लिए रिग्रेट का यूज किया जाता है। किसी को एडवाइस देते हैं उसके लिए रिग्रेट का यूज किया जाता है। और टू, हम वो काम करना चाहते हैं या हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आप ये करो, आप ऐसा कर सकते हो, तो उसके लिए एडवाइस का यूज किया जाता है। और टू का यूज किया जाता है, यूज टू, जब कोई काम हम काम जिस चीज करने के लिए आदि हो जाते हैं, एक ही काम को बार बार रिपीट करते हैं, उसके लिए यूज टू का काम यूज किया जाता है। फिर नीड टू, हमें जिस चीज की जरूरत होती है, नेसेसिटी, हमारी जरूरत के लिए नीड का यूज किया जाता है। फिर डेयर टू, हमारे सामने कोई चैलेंज या शक्ति का जहां प्रयोग करना होता है उस वहां पर डेयर टू का यूज किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट मॉडल है कैन। अब हम ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, एबिलिटी, कैपेसिटी और कंडीशन। ये एग्जांपल करते हैं इनका। राहुल कैन स्पीक, फ्रेंच फ्लुएंटली। राहुल कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, यानी राहुल जो है वो फ्रेंच बोल सकता है बिना किसी रोक टोक के। जब हमारी योग्यता की बात आती है, जब हमें कोई चीज की काबिलियत होती है उस चीज को दर्शाने के लिए कैन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज दिनेश कैन लिफ्ट 50 kg वेट। दिनेश कैन लिफ्ट 50 kg वेट। दिनेश जो है वो 50 kg 50 kg वजन है वो उठा सकता है, ठीक है। नंबर थर्ड, परमिशन के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हमारे जो कलीग्स होते हैं उनके साथ अगर उनसे कोई परमिशन लेनी हो उसके लिए हम कैन का यूज करेंगे। कैन आई बोरो योर बुक, कैन आई बोरो योर बुक, उसके लिए कैन का यूज किया जाता है। जब हमें परमिशन चाहिए होती है हमारे कलीग से तो उसके लिए हम कैन का यूज करेंगे। अब एक बात और कि मॉडल जो वर्ब्स होती है उन्हें मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है। प्लस इन्हें डिफेक्टिव वर्ब भी बोला जाता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स प्लस डिफेक्टिव वर्ब्स। अब ये ऐसा ही नहीं क्यों कहा जाता है वो हम देखेंगे। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। सेंटेंस के अंदर ना ही तो कोई एस, ना ही ई एस, ना ही आई एन जी, ना ही पी टी का यूज होगा। जब हम एक सेंटेंस के अंदर मॉडल का यूज करते हैं तो हम मेन वर्ब के साथ ना ही एस और ई एस, ना ही आई एन जी और ना ही ईटी फॉर्म का यूज करते हैं। जस्ट लाइक स्पीक, लिफ्ट और बोरो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे हम मेन वर्ब के साथ
स्पीक के साथ आईएनजी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कैन के साथ या किसी भी और मॉडल के साथ आईएनजी फॉर्म या ईटी फॉर्म या एस और ईएस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर मॉडल है हमारा कुड। कुड का यूज क्यों किया जाता है? पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी, और पोलाइट रिक्वेस्ट। इसके लिए कुड का यूज किया जाता है। राहुल कुड स्पीक फ्रेंच fluently, when he was staying in France. Rahul could speak French fluently. हमने इसका प्रेजेंट फॉर्म में राहुल कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली ये लिखा था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये पास्ट फॉर्म हो गया। राहुल कुड स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली व्हेन ही वाज स्टेइंग इन फ्रांस। जब राहुल फ्रांस में रह रहा था तब वो फ्रेंच बोल सकता था, लेकिन यहाँ आने के बाद में फिर से वो हमारी जो भाषा है वही बोलने लग गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या था? दिनेश could lift 50 kg weight when he was young. हमने इसका present form में पढ़ा था, दिनेश कैन लिफ्ट 50 kg वेट। अब हम कुड पढ़ रहे हैं, दिनेश कुड लिफ्ट 50 kg वेट व्हेन ही वाज यंग। जब दिनेश युवा था तब वो 50 किलो वजन एक साथ उठा सकता था, ये उसकी क्षमता थी। नेक्स्ट है कुड यू ड्रॉप मी स्कूल प्लीज। आपकी स्कूल वैन आती है और आप उसे कैच नहीं कर पाते हो, वो मिस हो जाती है और आप किसी से बोलते हो कि आप मुझे स्कूल छोड़ दोगे, ठीक है। जब आप उससे निवेदन करते हो, नम्र निवेदन, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? कुड का यूज किया जाता है। कुड यू ड्रॉप मी टू द स्कूल प्लीज। उसके बाद हम हमारा थर्ड मॉडल पढ़ेंगे जो है मे। मे का यूज किसके लिए किया जाता है? यूज किया जाता है ब्लेसिंग के लिए, ठीक है, कर्स के लिए। परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। कर्स का मतलब होता है श्राप। परमिशन का मतलब होता है आज्ञा और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, ठीक है। इन चारों के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो पहले जब हम किसी को ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद जब देते हैं तब हम मे का यूज करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। उसके बाद में कर्स, मे गॉड कर्सेस यू, कर्स यू। मे दिस
wrong fell upon you. हम बोलते हैं कि तुम्हारे साथ ये बुरा हो जाए, तुम्हारे ऊपर ये गिर जाए। जब हम किसी से नाराज होते हैं, किसी को श्राप देते हैं, उसके लिए मे का यूज किया जाता है। थर्ड होता है परमिशन। मैंने आप लोगों को बताया कि कैन जो है वो इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज किया जाता है और मे जो है वो फॉर्मल परमिशन, औपचारिक जो परमिशन आज्ञा जो होती है उसके लिए मे का यूज किया जाता है। औपचारिक का मतलब जब हमारे बड़ों से या हम कहीं पे काम कर रहे हैं उस जगह पर, हमारे स्कूल में जब हम परमिशन लेते हैं तो उसे फॉर्मल परमिशन बोला जाता है। हम किसी क्लास में एंटर होते हैं और बोलते हैं मैम मे आई कम इन, ठीक है, तो टीचर हमें परमिशन देते हैं, क्या बोलती है, यस यू मे कम इन, कम इन, मे आई गो होम, यस यू मे गो होम। तो इन सारी चीजों के लिए मे का यूज किया जाता है। फिर है पॉसिबिलिटी। जब किसी चीज की बहुत अधिक संभावना होती है तो पॉसिबिलिटी उसके लिए मे का यूज किया जाता है। देयर आर सो मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे, ठीक है, आकाश में बहुत सारे बादल बने हुए हैं तो आज बारिश हो सकती है। तो जब बादल बने हुए हैं तो बारिश की संभावना है, इसके लिए हमने किसका यूज किया है, मे का यूज किया है। तो मे हम किस किस के लिए यूज करते हैं, ब्लेसिंग के लिए, कर्स के लिए, परमिशन फॉर्मल जो होती है उसके लिए और पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मॉडल है हमारा माइट। अब माइट है वो किसके लिए यूज किया जाता है, माइट जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी। टी के लिए माइट का यूज किया जाता है, रिमोट यानी शेड, कम, और पॉसिबिलिटी यानी संभावना, इसके लिए माइट का यूज किया जाता है। देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, इट मे माइट रेन टुडे। माइट का यूज करेंगे।